वी स्टार्ट। नमस्कार, आप सभी आदरणीय अध्यापकों, अभिभावकों और मेरे प्यारे मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा 15 अगस्त पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। 15 अगस्त को के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया था। लोग गुलामी की जंजीरें तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए थे। तब से अब तक भारत बहुत ही उन्नति कर चुका है। भारत के लोग आज भी स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वे राष्ट्र को एकजुट रहने तथा राष्ट्र की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। यह दिवस हमें अपनी स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों को स्मरण कराता है। मैं अंत में कुछ कहना चाहूँगी। जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा है, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है सत्य में जयते जहाँ का नारा है, जहाँ अनेकता में एकता है सत्य में जयते जहाँ का नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है वो वतन इंडिया हमारा है। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।